नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभिज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर मैंटिक में। दोस्तों, रॉयल इनफील्ड की 350 cc का जो इंजन है और 500 cc का इंजन है, इसमें दोस्तों टैपिट का एक साउंड करती है गाड़ी। नई होती है तो कंपनी उसे लूज रखती है, लेकिन जैसे ही 5000 रनिंग कम्प्लीट हो जाता है तो हमें टैपिट का एकदम प्रॉपर सेटिंग करना पड़ता है। तो दोस्तों, इसमें एक्चुअली टैपिट सेटिंग कहते हैं, लेकिन वो टैपिट का सेटिंग नहीं होता है, वो दोस्तों हमारा एक कैम गियर का सेटिंग करना पड़ता है। वो सेटिंग कैसे करते हैं, इसका फुल डिटेल्स मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, वो सेटिंग करने के लिए हमें दोस्तों ये इस साइड का कवर है, एक मैग्नेट कवर, ये निकाल के लेना पड़ता है। वो कवर निकालने के लिए ये पहले किक हमें निकाल के लेनी पड़ती है, फुटरेस्ट निकाल के लेना है और हमारा साइलेंसर निकाल के लेना पड़ता है। ये मैं अभी आपको निकाल के दिखाता हूँ और आगे क्या क्या प्रोसीजर करेंगे हम, वो मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो ये किक, फुटरेस्ट और साइलेंसर मैं निकाल के लेता हूं। मास्टर माइंड टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ये मैग्नेट के साइड का कवर हमने निकाल दिया है और एक बात बताना भूल गया, आपको उससे पहले ऑयल ड्रेन करके लेना है, क्योंकि ये जब हम कवर निकालते हैं ना तो ऑयल आ जाता है। इसके बाद हमें ये मैग्नेट में ये नट होता है 20 नंबर का, ये निकाल के लेना है। नट निकालते समय ये मैग्नेट घूमता है, इसे स्क्रू ड्राइवर से इस तरह लॉक करना है, ये इधर अटक जाता है। ठीक है, वो भी हमने निकाल के ले लिया है। और अब हमें मैग्नेट निकालने के लिए मैग्नेट पुलर की ज़रूरत होती है, ये मैग्नेट कूलर इधर लगा के ले लेना है। मैं पहले लगा के ले लेता हूँ इसको। तो मैग्नेट कूलर जो है ये कट टू कट लग रहे हैं। देखो, ये मैग्नेट आ गया, थोड़ी ताकत लगा के इसे निकालना पड़ता है। ये हमने निकाल दिया है अभी इसको। ये जो प्लेट दिख रही है, इसमें 5 नंबर की एलिंग की होती है, उसे हमें निकाल के लेना पड़ता है। वो मैं अभी निकाल के ले लेता हूँ। बोल्ट निकालने पर ये प्लेट आ जाएगी, ये देखो ये आ गई। ठीक है, कट कर। असल में दोस्तों, हम जिसे टैपिट नॉइस कहते हैं, ये बहुत सी बार ये जो कैम गियर है उसका नॉइस होता है। ये देखो, ये दोनों है ना, ये लूज होने पर ये आवाज़ आता है। इसमें दोस्तों टाइमिंग चेन वगैरह नहीं होती, इसमें यही से कैम गियर होता है और इधर हाइड्रोलिक टैपिट लगे होते हैं, उससे ही इसका काम चल जाता है। तो इसमें दोस्तों, ये जो कैम गियर है ये हमें सेट करने पड़ते हैं। ये प्रॉपरली सेट करने के बाद हमारा जो नॉइस होता है, टिक 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 आवाज़ आता है, ये चला जाता है। इससे पहले दोस्तों हमें इसका टाइमिंग मिला के लेना पड़ता है। ये देखो, ये सिंगल सिंगल डॉट दिख रहा है, ये आमने सामने रखना पड़ता है। इधर दो डॉट दिखे हुए होते हैं, इधर मार्क किए होते हैं ये दो डॉट, और ये जो हमारा क्रैंक है उसमें भी दो डॉट होते हैं इधर, वो भी हमें मिला के लेने हैं। इस पोजिशन में जो हमारी ये पुली है ये ऊपर आ जाता है। ये देखो, सबसे मतलब इसका जो पिस्टन है ये TDC पोजीशन पे होता है। इसके बाद हमें 13 नंबर के पाने से ये जो इसका चेक नट है ये हमें लूज करके लेना होता है। ये अभी मैं लूज करके लेता हूँ, ये देखो। और उसके बाद दोस्तों, ये एग्जॉस्ट का कैम गियर है, ये इनलेट का है। सबसे पहले हमें एग्जॉस्ट का कैम गियर सेट करके लेना पड़ता है। तो एक्चुअली क्या होता है ये सेट करने पर, ये मैं दिखाता हूँ। इसका जो अंतर है ना दोनों गियर में, ये कम ज़्यादा होता है। एकदम थोड़ा सा कम हो गया अंतर ना, तो ये लूज रहते हैं, ऐसे टिक 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 आवाज़ करते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखो, लूज कम ज़्यादा हो जाते हैं। सबसे पहले हमें ये दोनों मिला के लेने हैं। ठीक है, ये देखो, ज़्यादा लूज रहते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है, ज़्यादा टाइट रहेंगे तो भी प्रॉब्लम होगी। ये देखो, ये ठीक तरह से घूमने चाहिए, एकदम फ्री भी नहीं होनी चाहिए। तो ये करके ले लिया है। एक्चुअली आपको दिखाना चाहता हूँ कैमरा में क्या होता है एक्चुअली में, तो मैं ज़रा कैमरा फोकस करके लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। एक्चुअल में दोस्तों क्या होता है,
ये जो कैम गियर है ना, इसके बीच का अंतर थोड़ी गाड़ी चलने के बाद बढ़ जाता है और ये गियर है इसमें प्ले रह जाता है। तो हम जिसे सेट करते हैं, ये जो नट है ये चेक नट है, इसके पीछे एक नट होता है, वो हिलाने पर ये जो अंतर है ना, ये देखो कम ज़्यादा होता है। ये अंतर हमें सबसे नज़दीक रखना है, ये देखो ये नज़दीक रख देंगे ना तो ये हिलेगा नहीं। ये देखो पूरा जो इसके टीट है एक दूसरे में पूरे मिल जाएंगे अंत तक। ये देखो ऐसे रखने हैं। सबसे पहले इधर की सेटिंग करनी है इस गियर की, उसके बाद यहाँ की सेटिंग करनी है। ये दोनों सेटिंग हमें प्रॉपरली करनी है। ये जो गियर है ये पूरे अंत तक जाने चाहिए एक दूसरे में, ठीक है। ये देखो ये प्ले नहीं है इसमें, पहले क्या कैसा था ये देखो, ऐसा अंतर इसका बढ़ गया था। ये देखो इस तरह ये ऐसा प्ले रह गया था। इसकी इसकी वजह से ही हमारे जो टिक 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 साउंड है ये आती है रॉयल इनफील्ड में। ये सबसे पहले मैं ये गियर दोनों मिला के लेता हूँ, उसके बाद ये गियर मिला के लेने के बाद ये घूमना चाहिए, ऊपर नीचे होना चाहिए, गियर एकदम फ्री नहीं होना चाहिए। ये देखो ऐसा ये एकदम फ्री हो गया है क्योंकि इसका अंतर ज़्यादा है, ठीक है। ये दोनों का सेटिंग मैं अभी करके लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। अब हम सेटिंग करने वाले हैं। सेटिंग करते समय ये गियर है ना ये पूरा फ्री करके लेना है, इसका अंतर ज़्यादा रखना है, हाँ सबसे पहले। और ये दोनों क्रैंक के साथ सबसे पहले ये एग्जॉस्ट का गियर है ये हमें मिला के लेना है। ये देखो ये ज़्यादा फ्री हो गया, एकदम फ्री भी नहीं होना चाहिए, एकदम टाइट भी नहीं होना चाहिए। ये देखो ये टाइट हो गया, ये देखो ये देखो इतना टाइट, ठीक है। ये देखो ये कर दिया हमने। अब ये वाला गियर करेंगे। अब ये वाला गियर सिंपली इधर मिला के लेना है हमें, ये दो ये एक दूसरे के अंदर अंत तक जाने चाहिए दोनों टीट। ये तो गए इधर, इधर शायद कैमरे में आपको दिखना चाहे, लेकिन आप जब भी प्रॉपरली ये करने जाओगे तो आपको दिखाई देगा उधर। अब ये वाले देखो ये ज़्यादा टाइट हो गया, थोड़ा थोड़ा करके एकदम प्रॉपर, ये ज़्यादा लूज हो गया। ये थोड़ा थोड़ा करके एकदम, ये देखो इधर एकदम प्रॉपर रह रहे, एकदम लूज भी नहीं है टाइट भी नहीं है। इधर ये दोनों सेट हो गए, ये इधर सेट हो गया, ये इधर। अब हमें ये हिलाना नहीं है, ये जो चेक नट है ना ये पूरे टाइट कर देने हैं दोनों। ये जो हमने सेट किया हुआ है सेटिंग का नट वो ऐसे ही रखना है पकड़ के, और ये 13 नंबर के पानी से टाइट करके लेने। ये मैं टाइट करके अभी ले लेता हूँ, ये हमारा सेटिंग प्रॉपर हो गया है, ठीक है। ये होने के बाद दोस्तों पूरा इंजन वगैरह लगा के लेना है, जैसे हमने प्लेट लगाई निकाली थी वो भी लगा के लेना है, और पूरा ऑयल वगैरह डाल के मैं आपको गाड़ी चालू करके भी दिखाऊँगा, ठीक है। अब आपके समझ में आया होगा कि ये कैम गियर का सेटिंग कैसे करते हैं। ये गियर दोनों में अंत तक जानी चाहिए, इधर भी पहले एग्जॉस्ट का करना है बाद में इनलेट का, और ये एकदम फ्रीली नहीं घूमने चाहिए, थोड़े हार्ड होने चाहिए, ठीक है। ये हो गया, अब मैं ये लगा के ले लेता हूँ पूरा और आपको आवाज़ सुनाता हूँ। तो दोस्तों इसका कैम गियर सेट करने के बाद हमने जो भी निकाला था, जो भी मैग्नेट का कवर वगैरह निकाला था, प्लेट निकाली थी, वो सब लगा के ले लिया है। अभी ऑयल भी डाल के ले लिया। अब मैं आपको गाड़ी चालू करके इसकी आवाज़ सुना देता हूँ कैसे आती है। पहले थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ थी इसमें कट 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 ऐसे। इसका दोस्तों रनिंग हो गया 15,452, और इसमें दोस्तों कंपनी ने इसका कैम गियर का सेटिंग करके नहीं दिया था चार सर्विस में भी, तो हमने इसका कैम गियर का सेटिंग कर दिया था। इसमें थोड़ा थोड़ा आवाज़ था, अब मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों जो कट 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 आवाज़ था वो पूरी तरह चला गया है, रेस करके दिखाता हूँ। ये आवाज़ है ये एकदम पूरी तरह चला गया है, थोड़ा सा आवाज़ तो दोस्तों आता है
उसका कुछ इशू नहीं, इतना आवाज़ तो आना चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर कर दीजिए। और मेरे चैनल पे आप नए मेहमान हो, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही नए नए वीडियो मैं आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।